ईरान लंबे समय से एक परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। उसके इस कार्यक्रम की अमेरिका को जब भनक लगी तभी से इस पर उसकी बुरी नजर है। वो ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता क्योंकि ईरान उसका पुराना दुश्मन है और दुश्मन का ताकतवर होना किसे पसंद होगा, यानी किसी को नहीं। ऐसे में अमेरिका हमेशा ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने में लगा रहता है। अब एक बार फिर अमेरिकी समर्थन वाले इसराइल और हमास की जंग के बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी निशाने पर है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ा ये कड़क अपडेट जिसमें ईरान बड़ी भूमिका में है, तो आज बात इसी से जुड़ी हुई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पिछले महीने इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले कर ईरान के परमाणु कार्यक्रम एक कंपोनेंट को नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि इससे ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता कम होगी। नेतन्याहू ने सोमवार को इसराइल की संसद निसेट में दिए भाषण में कहा कि इस हमले में उनके परमाणु कार्यक्रम का एक खास कंपोनेंट प्रभावित हुआ है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दी कि किस कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है और इसका संवर्धन भी बहुत सेंसिटिव होता है। बीते 26 अक्टूबर को इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाते हुए 3 बार हमला किया। ईरान ने इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी और इस तरह से इसराइल ने हिजबुल्ला नेता जो वहां के हसन नसरल्ला हैं और हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या कर दी थी। इसके बदले में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागी थी। उधर इसराइल ने जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया तो वहां के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि हमलों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए और न ही कम करके आंका जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमलों से पहले कहा था कि वो ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्षेत्र में और अधिक तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। उधर परमाणु कार्यक्रम पर हमले के इजरायली दावों पर ईरान ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। पिछले हफ्ते ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी से कहा कि उनकी सरकार जनवरी में अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। देखिए, ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में किसी नतीजे पर पहुंचना इस दिशा में एक नए विवाद को रोकने के लिए ज़रूरी था, खासतौर से ऐसे समय में जब ईरान पहले से ही गाजा और लेबनान पर हमलों को लेकर इसराइल पर भड़का हुआ है। ग्रॉसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देश दुनिया की खबरें जानना आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबाकर ऑल कर लें क्योंकि कड़क खबरों की भरमार है यहाँ। तो चलिए अब वापस मुद्दे पर, खबर पर लौटते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और आखिर ये निशाने पर क्यों है। कहीं उस पर हो रहे इजरायली हमलों में अमेरिका की भूमिका तो नहीं है। देखिए, इन सब पहलुओं को सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं साल 2015 में, जहां पर लंबे समय से प्रयास से ईरान और अमेरिका सहित 5 अन्य देशों का परमाणु करार हुआ। इस समझौते पर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी और लोगों को उम्मीद थी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से पैदा हुआ अंतर्राष्ट्रीय तनाव शांत होगा और पूरा विश्व फिर से ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध को बेहतर करेगा। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस परमाणु कार्यक्रम को, इस करार को तोड़ने से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संकट की आशंका पैदा हो गई है। क्या है ईरान का परमाणु कार्यक्रम? तो 1950 के दशक में ईरान ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी। बात तब बिगड़ी जब 2002 में ये बात सामने आई कि NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद ईरान अपने नाभिकीय हथियारों को तेजी से इकट्ठा कर रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता बढ़ने लगी। अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को ईरान से एक प्रकार का खतरा महसूस होने लगा।
और इसके बाद साल 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे दुनिया के देशों के साथ ईरान का व्यापार बंद होने लगा और ईरान की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जुलाई 2015 की बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया। इस समझौते में ईरान के सामने कई शर्त रखी गई। पहली शर्त ये थी कि ईरान को अपने संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार कम करने होंगे। इसके तहत ईरान को संवर्धित यूरेनियम का 98% हिस्सा नष्ट करना पड़ता या देश के बाहर भेजना पड़ता, जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम पर रोक लग सके। दूसरी शर्त थी कि ईरान को आगे से यूरेनियम की एक निश्चित मात्रा यानी 3.67% तक ही संवर्धित करने की इजाज़त होगी, जिससे उसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली उत्पादनों या अन्य ज़रूरतों में हो सके, उससे परमाणु हथियार न बनाया जा सके। आपको बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन जो है वो 90% से ज़्यादा यानी हाई एनरिचमेंट ज़रूरी होता है। और इसी तरह सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या कम करने से जुड़ी एक तीसरी शर्त थी। सेंट्रीफ्यूज ऐसी मशीन होती है जिससे यूरेनियम संवर्धन किया जाता है, और तीसरी शर्त के तहत ईरान को लगभग 6,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की अनुमति होती, जबकि उसके पास कुल 19,000 सेंट्रीफ्यूज थे। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करा नहीं सकता, क्योंकि जब दुनिया के अधिकतर देश परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं तब केवल ईरान को रोकना तर्कसंगत नहीं है। दूसरा, जब कोई देश शांतिपूर्ण उद्देश्यों यानी बिजली उत्पादन और अन्य चीज़ों के लिए परमाणु कार्यक्रम चला रहा होता है तो उस पर कोई आपत्ति भी नहीं करता। इधर ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ही बताता है, लेकिन विश्व के शक्तिशाली माने जाने वाले देशों के मन में उपजी आशंकाओं से ईरान का परमाणु कार्यक्रम निशाने पर रहता है। अब जब इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया है तो इसमें अमेरिका की भूमिका की भी चर्चा ज़रूरी है। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही अमेरिका के निशाने पर रहा है। ऐसे में हो सकता है कि कहीं अमेरिका ने ही इसराइल के जरिए ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला कराया हो, क्योंकि इसराइल गाजा में जो कुछ भी कर रहा है उसमें अमेरिका पूरी तरह से उसके साथ है। अमेरिका हथियार से लेकर खुफिया इनपुट तक इसराइल को दे रहा है। जानकारों का यह भी कहना है कि देखने में भले ही लग रहा है कि इसराइल और हमास युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और ईरान ही लड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तब इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान के परमाणु स्थल पर हमले में अमेरिका की भूमिका है।